हमारे साथ में है डॉक्टर राहुल गुप्ता सर। राहुल गुप्ता सर एबीएस जो रीजन है हमारा एशिया पैसिफिक रीजन, इसके प्रोडक्शन और ऑपरेशंस हेड है। डॉक्टर राहुल गुप्ता सर खुद एक वेटरनरियन है और इनका जो स्पेशलाइजेशन है ये वेटरनरी गायनेकोलॉजी से स्पेशलाइजेशन रखते हैं। करीबन 20 साल से भी ज़्यादा डॉक्टर राहुल गुप्ता सर इनके पास में एक्सपीरियंस है। इन्होंने कई नामी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ में भी काम किया है और करीबन 10 साल से ज़्यादा समय से ये एबीएस के साथ में जुड़े हैं। जो एबीएस में सबसे पहली सेक्स सीमेन की लेबोरेटरी है या फिर आज जो आप देखते हैं कि एबीएस ने जो चुनिंदा सबसे अच्छा जेनेटिक्स इंडिया में लाया है, ये डॉक्टर राहुल गुप्ता सर की आप सभी के लिए एक देन है। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर राहुल गुप्ता सर जुड़े हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। डॉक्टर राहुल गुप्ता सर के साथ मैं आज शुरुआत करूंगा। सर आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि जो हमारे भारत के किसान भाई हैं, इन्होंने जब डेयरी फार्मिंग में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी लानी है तो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत सारे दो हम कहते हैं डेयरी फार्मिंग के पिलर है, जिसमें फीडिंग है, मैनेजमेंट है और एक ब्रीडिंग। ब्रीडिंग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है डेयरी फार्मिंग के प्रॉफिटेबिलिटी में। और जब हम ब्रीडिंग कहते हैं तो उसमें मुख्य ये आता है कि अच्छे बुल का चुनाव या अच्छे जेनेटिक्स का चुनाव। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका क्या हमारे किसान भाइयों के लिए एक सुझाव रहेगा कि जब ब्रीडिंग करना है या अच्छे बुल का चुनाव करना है तो कौन सी चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए? धन्यवाद डॉक्टर परीक्षित। पहले तो मैं सभी जो भी हमारे पशुपालक भाई यहाँ पर आए हैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जो जिस चीज के लिए हम पशु पाल रहे हैं, गाय या भैंस पाल रहे हैं, वो मेन हमारा जो उद्देश्य है वो दूध उत्पादन का है। ज्यादा से ज्यादा दूध कैसे प्राप्त कर सकें और ज्यादा से ज्यादा फैट कैसे प्राप्त कर सकें। और इसमें तीन मेजर स्तंभ है, एक मैनेजमेंट है, एक किस तरह से आप मैनेज करते हैं पशुओं को, दूसरा फीडिंग है जो किस तरह से भोजन आप खिला पाते हैं, और तीसरा जो है जेनेटिक्स है। लेकिन इसमें हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर जेनेटिक्स नहीं है दूध उत्पादन की तो हम कितना भी बेहतर खिला लें या कितना भी बढ़िया मैनेजमेंट कर लें, पशु की दुग्ध उत्पादक क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता। राइट। इसको मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं कि यदि अगर जेनेटिक्स के माध्यम से किसी भी गाय या भैंस की उत्पादन क्षमता 5 किलो की है तो आप उसका जो फीडिंग है वो दुगना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए, तो भी आप दूध उत्पादन को दुगना या तिगुना नहीं कर सकते। तो खर्चा तो बढ़ जाएगा लेकिन दूध उतना ही रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर उत्पादन क्षमता आपके पास 20 किलो की है और आप 20 किलो लायक मैनेजमेंट कर सकते हैं और 20 किलो लायक उसको खिला सकते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को 20 किलो दूध उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन उत्पादन क्षमता 20 किलो है और आपने खिलाने में कमी करी तो भी 20 का घटके 15 किलो, 15 का घटके 10 किलो हो सकता है। बिल्कुल। तो इस सब का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले जेनेटिक्स के माध्यम से दूध उत्पादन की क्षमता किसी भी गाय और भैंस में होनी चाहिए और अगर वो क्षमता है तो सही मैनेजमेंट के साथ और सही फीडिंग के साथ 100% दूध उत्पादन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर मैं इसमें इसी जो हमारा अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन का, इसी में मैं एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में अगर हम देखें तो जो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ है जिसमें होल्स्टीन और जर्सी जो विदेश से लाए हुए जो नस्ल है उसकी वजह से भी एक दूध में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। आज हम देखते हैं कि जब भी कोई डेयरी फार्मर बुल का चयन करता है या फिर सीमेन का चयन करता है तो वो डैम सील्ड के बेसिस पे करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डैम सील्ड वर्सेस जीनोमिक, इसको आप किस तरह से नापते हैं और आपका क्या सुझाव रहेगा जब अगर कोई फार्मर देसी में जाता है या फिर होल्स्टीन और जर्सी में जाता है तो चुनाव किस तरह से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? आज के दिन में सबसे जो अच्छी मेथड है वो कौन सी है? देखिए बिल्कुल ये बहुत लाइक प्रश्न है और आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है। तो भारत में आज की तारीख में करीब 30 करोड़ गौ और महिष वंशी, महिष मतलब भैंस वंशी पशु है, तो इस संख्या बहुत बड़ी है और इस संख्या की प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता बहुत कम है। हम आज जो दुनिया में नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में, दूध उत्पादन में, वो इस वजह से है कि हमारे यहाँ पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता कम होने की वजह से हमारा खर्चा बहुत है।
मतलब एक लीटर दूध पैदा करने के लिए ये खर्चा बहुत ज्यादा है। और आज के समय में जबकि किसान को भूसा या ड्राई फॉडर खरीदने के लिए 14-15 रुपए किलो खर्च करने पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा ये सिस्टम आगे चालू रखना, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है एनिमल की और जो फीड स्टफ की कीमत है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन दूध की कीमत उतनी नहीं बढ़ रही। तो इस बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी शंका होगी किसी भी किसान को कि जितनी दूध की कीमत बढ़नी चाहिए तेजी से उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। अब इसका समाधान क्या है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भारतवर्ष में शुरू से और मैं कहता हूं आज भी ज्यादातर जो सीमन स्टेशन है, जो सीमन का उत्पादन कर रहे हैं, वहां जितने भी बुल रखे जाते हैं उनके चयन की विद्या ये है कि उसकी डैम झील या उसकी माँ का दूध कितना है। और ये माना जाता है कि जितना ज्यादा माँ का दूध उत्पादन होगा उतनी ही ज्यादा क्षमता उसकी जो बछिया पैदा होगी उसमें भी होगी। बिल्कुल। लेकिन किसान भाइयों को और पशुपालक भाइयों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये केवल एक आश्वासन है, ये एक assumption है। वास्तव में ऐसा होने की संभावना 25% से भी कम कम है जेनेटिक्स में। तो इसका फिर तरीका क्या है, कैसे इस तरीके को ठीक किया जाए? So, अगर हम कहते हैं कि 25% से भी कम है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि डैम सील पे अगर हम कोई बुल सिलेक्ट करते हैं तो 25% से भी कम लोगों को ही उसका फायदा होगा। बिल्कुल सही। 75% से ज्यादा लोग ऐसे रहेंगे शायद उनके यहाँ में उस दूध में बढ़ोतरी का या फिर जिस वजह से उन्होंने बुल का चयन किया है वो वजह का उनको फायदा ना मिल सके। बिल्कुल सही बात है। और आज की तारीख में आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए और किसी भी पशुपालक भाई से पूछिए, तो उसे पूछिए कि सबसे बड़ी आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, तो हमेशा एक ही शिकायत होगी कि सर मैं अपने पशु पे पूरी मेहनत करता हूँ, इसको बहुत अच्छा खिलाता पिलाता हूँ, फिर भी ये उतना दूध नहीं देता जितना कि इसको देना चाहिए। उसका कारण यही था कि जब हमने सीमन लगाया, जब हमने सीमन का चयन किया, तब हमारा ये मानना था, हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल घुसी थी कि क्योंकि इसकी मां ने अच्छा दूध दिया, जिस बुल का चयन किया गया उसकी मां ने अच्छा दूध दिया, इसीलिए जो बच्चिया पैदा हुई वो भी अच्छा दूध देगी। लेकिन ये केवल एक assumption था, ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा अगर होता तो आप भी मानेंगे इस बात को कि पिछले 10-20-30 साल में क्रांति आ गई होती। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हुआ। इससे जो है सुधार करने का एक ही तरीका है पूरी दुनिया में, और वो है कि बुल या तो प्रोजेनी टेस्टिंग हो या फिर जीनोमिकली टेस्टेड हो। बिल्कुल। तो जीनोमिक टेस्टिंग क्या है? जीनोमिक टेस्टिंग वास्तव में एक ऐसी विद्या है, और ये ऐसा नहीं है कि हम गाय भैंस में ही कर रहे हैं। आज की तारीख में जितने बीज हैं फसलों के, इवन जो आदमी है, हमारा भी जीनोमिक टेस्ट अब किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि कई सारी जो गुण है या दोष है उनका पता पहले ही किया जा सकता है। बिल्कुल। यानी कि संतान का जन्म हुआ, आपने उसका डीएनए सैंपल लिया, डीएनए सैंपल टेस्ट किया, और आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें गुण दोष क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि कल्पना करिए ऐसी स्थिति की कि बछिया अभी पैदा हुई है, और बछिया जब तक लगभग 1 महीने की होगी तब तक उसका डीएनए टेस्ट करके उसका रिपोर्ट कार्ड किसान के हाथ में होगा कि ये कितना दूध देगी, कितना फैट देने की उम्मीद है, कितनी बढ़िया इसकी फर्टिलिटी होगी, वगैरह वगैरह। तो ये आप हम किसान भाइयों को अभी पहले जो उम्र का पहला एक महीना होता है उसी वक्त किसान भाई को पता चल जाएगा कि ये दूध कितना दे सकती है। उस तरह से अगर उन्होंने मैनेजमेंट किया और सिलेक्शन किया तो वो अच्छी बछड़िया जो है वो उनके फार्म में वो रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और यही इसका ज्यादा उपयोग, बल्कि मैं कहता हूं कि गाय से भी ज्यादा उपयोग जो खासतौर पर हम कर रहे हैं वो बुल के चयन में कर रहे हैं, सांड के चयन में कर रहे हैं। यानी कि वही परिस्थिति यहां पर भी है कि कोई अच्छा काफ आया, मेल काफ आया, बछड़ा आया, उसका डीएनए सैंपल लिया और डीएनए सैंपल के बेसिस पे उसकी जीनोमिक टेस्टिंग की जाए, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं निश्चय पूर्वक कि अगर इस सीमन का उपयोग किया गया किसी भी गाय में तो जो पैदा होने वाली बछिया है उसमें आगे चल के कितना दूध देने की क्षमता होगी। बिल्कुल। कितना फैट देने की क्षमता होगी, फर्टिलिटी में वो कितना बेहतर होगा। एक गुण है प्रोडक्टिव लाइफ, हम आगे भी उस पर जिक्र करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि गाय 300 दिन के स्थान पर 400 दिन तक दूध दे। बिल्कुल। तो ये प्रोडक्टिव लाइफ का गुण भी सांड के माध्यम से यानी कि उसके सीमन के माध्यम से आता है, और ये जीनोमिक टेस्टिंग में होने वाली जो मतलब ये मैं कहता हूं कि एनिमल जेनेटिक्स में होने वाली पिछले 100 साल की सबसे बड़ी क्रांति है, जिसमें कि आपको किसी भी सांड को बड़ा नहीं करना पड़ रहा,
नहीं तो आप सोचिए कि अगर ये विद्या नहीं होती तो क्या करना होता, कि पहले वो सांड बड़ा होता, फिर उसका सीमन बनता, फिर वो गाय में लगाया जाता, फिर गाय की बछिया होती, फिर बछिया की परफॉर्मेंस देखते और उसके बाद रिजल्ट आता कि हाँ साहब ये सांड उपयोग करने लायक है। इसी कार्यक्रम को हम प्रोजनी टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रोजनी टेस्टिंग करने के लिए कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। बिल्कुल। और प्रोजनी टेस्टेड सीमन बहुत ज्यादा महंगा है। हिंदुस्तान में अभी प्रोजनी टेस्टिंग करने की विद्या भी बहुत कम, बहुत ही सीमित है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि खर्चा और समय बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरे दुनिया में आज की तारीख में एनिमल जेनेटिक्स की जो क्रांति है वो जीनोमिक टेस्टिंग के माध्यम से ही आई है। अभी न केवल HF और जर्सी में जीनोमिक टेस्टिंग की जा रही है, बल्कि क्रॉस ब्रेड जितने हैं उसमें भी जीनोमिक टेस्टिंग की जा रही है, और भारतवर्ष में बफलो में, भैंस में भी और गिर ब्रीड में भी जीनोमिक टेस्टिंग की जा रही है। तो इसके आधार पर किसी भी बुल की अच्छाई या बुराई दोनों चीजों का आकलन बहुत आसानी से किया जा सकता है, और पशुपालक भाई बिल्कुल सिलेक्शन कर सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर बुल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर।